नवरात्रों के दिनों में जो आप अपने घर में सभी लोग गाते होंगे जब पूजा करते हो, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, मैया जा रही है, जबकि कब्र में पैर रखे हुए हैं मैया के, यही बहन के सुनिए, पत्नी कहाँ खाना बना रही है। इसे ही कहते हैं जब तक आपके पुण्य कर्म नहीं होते, ऊपर वाला आपको सत्संग में भेजेगा नहीं, चाहे आप किसी की कोशिश कर लो, जब आपके पुण्य कर्म पूरे होंगे तब आप यहाँ सत्संग में आएंगे, अन्यथा आप सत्संग में नहीं आ सकते, और आ भी जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे ये जैसे जा रहे हैं, और एक दिन दुनिया से भी ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। अब देखिए मैया को सुना ही दे अपने बच्चे ने, बोल दीजिए एक बार राधे राधे। जब आप वो जोग उगाते हो उन जोग का करते क्या हो, एक नवरात्रि खत्म हुई, एक पॉलिथीन में बाया बांधा और यमुना जी ने फेंक दिया, यही करते हो, यही करते हो। अगर आपके जोग का एक जो भी घर से बाहर चला गया, आपके घर की सारी सुख समृद्धि शांति सब बाहर चली गई। बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात, जो आप नवरात्रों में जो उसके घर का एक भी जो आपको अपने घर के बाहर नहीं जाने देना है। अब आप कहोगे दीदी घर के बाहर ना जाए तो हम क्या करें, जब आप कंजक पूछते हो, अगर आपके घर में कोई बिटिया है तो अपनी उस बिटिया से उस जौ को कटवा लीजिए और अपनी गोदी में उन जौ को ले लीजिए, उन जौ को अपनी गोदी में ले लीजिए, कुछ दिन उनको सुखाइए, फिर एक लाल कपड़े में उन जौ को बांध कर यहाँ पे आप तिजोरी में पैसे रखते हो महाराज, उन जौ को वहां पे रख दीजिए, और दिवाली वाले दिन जब आप पूजा करते हो तो नया जौ आता है, नए गेहूं आते हैं, नई धान आती है, दिवाली वाले दिन थोड़े से उस धान को लीजिए और थोड़े से जो जो आपने उगाए थे और अलवाली में लाल कपड़े में बांध कर रखे हैं उनको निकालिए और लक्ष्मी माता को समर्पित कर दीजिए। मेरा दावा है कि भैया दोज वाले दिन तक आप पे कृपा जरूर बरसेगी माँ अम्बे की, माँ दुर्गा की, और उसके बाद उन जौ को पूजा अर्चना करने के बाद इकट्ठा करना है और एक मिट्टी में गड्ढा करके रख देना है, अंदर मिट्टी में दबा देना है ताकि फसल भी अच्छी उगे, फल फूले। तो आगे से जब भी नवरात्रि आए एक जो भी बाहर नहीं लेके जाए, जो को काट लीजिए, अपनी झोली में ले लीजिए, सुखा लीजिए, सुखाने के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख दीजिए और जब दिवाली आए अम्बे के चरणों में उनको समर्पित कर दीजिए, अम्बे की कृपा आप पर जरूर और जरूर और जरूर बनेगी। एक बार दोनों हाथ पकड़ के बोलिए हरि हरि।